टू अनदर ब्लॉग। तो हम लोग ट्रिप पे निकल चुके हैं और हमारे एक ग्रुप है मेरे दोस्त है कॉलेज वाले गाइस। इस बार हम लोग 1000 किलोमीटर ब्लॉग कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं ये लोग जा रहे हैं साइपर पॉइंट के आया है। आज कंटे महादेव जा रहे हैं हम लोग। अभी कुछ पता है कि तब ये हाईवे पर हटाओ गाड़ी गाड़ी हटाओ। अरे एक्सीडेंट हो गया गाइस। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई। एकांत जो तो जाएंगे आज लग रहा है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर है अभी। Let's begin. Let's go. तो हम लोग आ गए मार्कंडे महादेव। तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, मस्ट विजिट अगर बनारस में। तो बनारस मतलब 25-30 किलोमीटर पड़ता है यहाँ का डिस्टेंस। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं आया हूँ यहाँ पे, और आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ का मार्केट दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ पे, मतलब सारे सामान मिल रहे हैं। ये एंट्री है पूरा, वहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, मतलब वहाँ से आ रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं। और ये लोकल मार्केट है यहाँ पे, पूरा एकदम लाइन से लगा हुआ है। तो बाबा ने बुलाया तो दर्शन करने चले हम लोग। बाकी सब आगे पहुंच गए। अलग वाइब आती है यहाँ पे, मतलब एकदम मन बहुत शांत हो जाता है। ये दुकान पे हम लोग ने जूता रख दिया और प्रसाद भी लेना है। ये प्रसाद है यहाँ, तो एक एक उठा लो सब लोग। तो चलते हैं बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये मेन एंट्री है मार्कंडे महादेव जी का। तो अंदर चलते हैं। जय बाबा। तो यहाँ पूजा होता है। तो देखते हैं अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फोटो दिखा दूंगा आपको। हर हर महादेव। बहुत भीड़ है यहाँ पे, भी ठीक है। ये हनुमान जी हैं और मेन ये, तो दर्शन करते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। बेलपत्र लीजिए, पकड़िए जल्दी पकड़िए। तो हम लोग ने अंदर दर्शन कर लिए, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत आत्मा को शांति मिला। हम लोग सब लोग ने दर्शन कर लिए अच्छे से। हम ने टीका भी लगवा लिया, बहुत अच्छा पंडित जी ने टीका लगाया। दर्शन हो गया है। तो कैसा लगा आपको उपाध्याय जी मंदिर? मंदिर की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, जो कि मार्कंडे महादेव के नाम से बहुत फेमस है। और यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जो यमराज हैं वो भी मतलब यहाँ नहीं आ पाते, यहाँ की उनको आने की अनुमति नहीं है, ऐसा ही मंदिर है। जो मार्कंडे थे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, तो जब उनका अंत समय निकट आया तो उन्होंने महादेव को यहाँ एक महादेव की वो मूर्ति थी उसके पास आके उन्होंने पूरा अपना पूजा पाठ शुरू कर दिया। जब उनका अंत समय आया तो जब यमराज उनको लेने आए तो स्वयं महादेव आके उनको मना किए और बोले कि नहीं, ये मेरा शिष्य है सबसे बड़ा, आप इसको नहीं ले जा सकते, और ये इनकी आयु अभी और बढ़ेगी। तो तब से ये मार्कंडेय महादेव के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। यहाँ आने से आयु बढ़ती है थोड़ी? आयु तो बढ़ती है वो अलग बात है, जो महादेव का यहाँ, जो महादेव स्वयं यहाँ विराजमान है एक तरीके से। तो यहाँ आप लोग जरूर आना, और ये बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पूरे पंडित लोग बैठे हैं, यहाँ हवन हवन बहुत हो रहा है, पूजा भी बहुत होता है। तो बहुत अच्छा यहाँ हवन हो रहा है, यहाँ पे बहुत पंडित लोग हैं यहाँ पे।
दर्शन हो गया, हम लोग निकल गए। अब यहाँ से हम लोग सर्वद महामंदिर जाएंगे, वहाँ का प्लान बन रहा, देखते हैं क्या सीन है। जा भाई, किसके लिए मन्नत मांगा आपने? आया नहीं जा सकते क्या? नहीं, हम लोग समोसा वोसा खाना है, देख रहे कितना अच्छा है यहाँ पे, अलग ही मतलब टेस्ट होता है एकदम, खा के मजा आ जाता है। हम लोग सोच रहे हैं समोसा छोला खाए, वहाँ सब जलेबी खा रहे हैं अकेले अकेले, तो मैं भी खा लेता हूँ। तो अभिनव जी, कौन सा घाट है ये बताइए? मारकंडे घाट। तो मारकंडे घाट पे आए हम लोग, मंदिर के थोड़ा बाहर साइड है, अंदर साइड है थोड़ा जो रास्ता है, तो बहुत खूबसूरत है। हाय गाइस, हेलो। भगवान करे आप लोग का जो है नया साल आने वाला बहुत अच्छा जाए, और जो बीता उससे आप लोग सीखे, जैसे हम सीख रहे हैं। जो सेल लगे हुए थे तो सेल से सीखे हुए। यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, फैमिली एंजॉय कर रही है, और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। साइबेरियन बर्ड भी, साइबेरियन बर्ड भी है यहाँ पे, जूम करके दिखाता हूँ आपको। दुबे दुबे, साइबेरियन की स्पेलिंग बताओ, गूगल कर लीजिएगा गाइस। बाकी लोग पता नहीं कहाँ खो गए हैं। ये देखिए बहुत बन रहा है ये घाट, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, और क्या व्यू आ रहा है गाइस, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंस, जस्ट लुकिंग वाव, ब्लैक कलर वाव, ब्राउन कलर वाव, ब्लू कलर वाव, नो कमेंट्स। देखिए अंटार्कटिक बर्ड्स, ऐसा मत करिएगा आप लोग किसी के बातों में आके, मेरे घर वाला पिछवा सब वही है बगलिया में। हेलो गाइस, अबे कुछ तो आशीष के पास कुछ तो एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा है कि नहीं, हम लोगों से एक्स्ट्रा है, शेयर नहीं कर रहा है। अबे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। अबे ठीक है भाई, तुम साले खुद मिथ हो, हम लोग को भी एक समय आएगा, हम लोग का भी एक समय आएगा जो हम आ चुका है, इसका समय आ चुका है, उसका हो गया है भाई, 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहा है हम लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम लोग के ग्रुप में सबसे बड़े और सबसे एक्सपीरियंस आदमी हो, तो तुमको बताना चाहिए कैसे क्या होता है, कैसे क्या हुआ, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक का जाके तुम पोगो देखो, एक का दो का चार कैसे होता है ये सब बताओ हम लोगों को भी सिखाओ। ये देखो, ये लड़की देखने आ गया, भोसड़ी वाला ब्लॉग में लड़की उठाएगा, मुझे दो करने भी आते हैं, पहले एक तुम हो जाओ, जा पूछ के। अबे चलते चलते गाजीपुर में चले जाओगे साले, गाजीपुर की बगलिया तो है। हाँ तो कहते रहे।